गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब? होप सब अच्छे होंगे। तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। अभी हम जाने वाले हैं डीएनके प्लेग्राउंड में, जहाँ परेड वगैरह होता रहता है। हर बार मैं मिस कर देता हूँ, लेकिन इस बार हम ज़रूर जाएंगे। हर बार कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ ही जाता है, इस बार पक्का जाएंगे, पक्का। पता नहीं मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है, हर बार कभी नहीं गया, लेकिन इस बार आया। लेकिन इस बार क्या किया इन लोगों ने, एंट्री बंद कर दिया। किसी को भी अंदर जाना अलाउड नहीं है, शायद कोई आया हुआ है इसलिए अंदर किसी को एंट्री नहीं दिया जा रहा है। और सिर्फ एनसीसी वाले और बीएसएफ और पुलिस वाले हैं, और कोई नहीं। सामने देख पा रहे हो स्कूल बच्चे, हम भी बचपन में ऐसे ही रैली किया करते थे इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे में। बचपन की बातें तो बहुत अलग है, मतलब कि उसके साथ कोई कंपटीशन ही नहीं है। बचपन तो बचपन होती है यार, जवानी में आके पछता रहे कि काश फिर से बचपन आ जाता तो कितना मज़ा आ जाता। खैर छोड़ते ये सब और चलते एक मस्ती ब्लॉग बनाने के लिए। रेडियो सब रेडियो ना, मजाक कर रहा था भाई, मजाक कर रहा था। अभी हम चले आए हैं कुछ इस तरह की जगह में, सामने आप लोग देख पा रहे होंगे खड्डा ही खड्डा है, और ये एक बच्चा जा रहा है। अगर आपको कभी भी रास्ते पर अगर बच्चा दिख जाए ना, तो आप स्लो कर लेना, ये बच्चे बहुत खतरनाक होते हैं, कभी भी आ जा सकते हैं। अभी सोच रहा हूँ पैरेट तो नहीं हुआ, चलो ठीक है, चलो घूम के आते हैं बालीमला रोड की तरफ से। मेरा कैमरा क्वालिटी बहुत ख़राब है गाइस, तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना, देखो अगर हो सके तो एडजस्ट कर लो। ये देखो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे, इन लोगों का हो गया, और सब स्कूल का चल रहा है लेकिन इन लोगों का हो गया। चॉकलेट मिल गया तो चले आए घर में। अभी बाइक को खींचते हैं, बहुत आगे जाना है, तो चलो गाइस। सामने एक कार आ रहा है तो हम थोड़ी स्लो कर लेते हैं। इन लोगों को हॉर्न मारो तो भी ये नहीं हटेंगे, ये यहीं के यहीं रहेंगे। तो हम चले आए हैं बालीमला रोड की तरफ, तो यहाँ से हमें दाएं मुड़ना है, और ये लो हम मुड़ गए, और चलो चलते हैं बालीमला की तरफ। और ये सामने और एक बेल आ गया। मौसम ऐसा होना चाहिए ताकि ब्लॉगिंग अच्छे से हो पाए, अब बारिश में कौन ब्लॉगिंग करता है। चाहे बारिश बिल्कुल पसंद नहीं आता, ये मानसून का टाइम बहुत मस्त है। यहाँ से बाएं तरफ पता नहीं कौन सा गांव है, चलो वहाँ चलते हैं। अगर आप लोगों को पता है तो गांव का नाम ज़रूर बोलना। देखो देखो देखो, देखा क्या है यार, अगर चलना नहीं आता है तो रोड पर क्यों चलते हो? पापा की परी हो, स्कूटी तो चलानी नहीं आती है, कभी खेतों में, कभी यहाँ पर, कभी रोड पर, कहीं पर भी लगा देते हो। कम से कम चलो तो ठीक से, अभी मेरे को नीचे गिरा देता। मैं कभी यहाँ पर आया नहीं हूँ गाइस, अगर आप लोग जानते हो तो प्लीज़ कमेंट में बोलना कि ये कौन सा गांव है। और मुझे नहीं लगता कि ये गांव है, ये मलकानगिरी का दूसरा साइड होगा, क्योंकि बिल्डिंग है सामने। और वो सामने रहा अपना फेवरेट पहाड़, जहाँ पर हम पहले भी गए हुए थे। तो आज तो नहीं जाएंगे, करीब उसके पास ही जाएंगे। अभी मेरे को पता चला ये रोड कहां जाता है। ये रोड एक्चुअली जाता है जो जयपुर की तरफ जाता है ना, वहाँ पर एक नाका होता है, तो वहाँ जाके मिलता है ये रोड। ये क्या हो क्या रहा है कैमरा को, हर बार ब्लर क्यों हो जाता है पता नहीं चल रहा है गाइस। कैमरा क्वालिटी भी बहुत घटिया है, और क्या कर सकते हैं, रोड को देखो बस, रोड इतना ख़राब है, क्या बोलूँ इसके बारे में। मलकानगिरी म्यूनसिपलिटी वालों कुछ तो करो, ये ख़त्म ही नहीं हो रहा है रोड, पता नहीं कब जाके ख़त्म होगा। मैं कब से चला रहा हूँ, चलते जा रहा हूँ, ये देखो कीचड़ आ गया, कीचड़। इसको रोड बोलते हैं, इसको कीचड़ बोलते हैं, क्या बताऊँ म्यूनसिपलिटी, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। लगता है सामने रोड बन रहा है इसलिए रोड का ये हाल है। और ये देखो हर घर तिरंगा, मोदी जी का हर घर तिरंगा अभियान काम कर रहा है, सबके घर में तिरंगा देखने को मिल रहा है। तो ओके गाइस, मिलते हैं और एक वीडियो में, तब तक के लिए बाय। खाते पीते रहो, खुश रहो, टेक केयर।